ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ ਓ ਆਇਆ ਤੂੰ 420 ਚ ਤੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿਆਂ ਓਏ ਹੈ ਛੱਡ ਓ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਥਾਣੇ ਹਟਾ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਜੋ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਛੱਡ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਲੂ ਕਾਲੂ ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸੀ ਨਾ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਧਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇਸ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੀ ਭਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਕੀ ਨਾਦਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਰਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ पट्ठे चलदा तू ते अपने जगत कीती है ओए मैं वाकई पट्ठे ते पैदा होया सा पैदा होने वाली जगह है वैसे जिस दिन पैदा होया उस दिन पट्ठे का पट्ठा बह गया इन दोनों को पकड़ा क्यों है शाह जी है चोर जे ते आ मालिक जे आ चोरी करने गया दे घर इन्हें एको पिस्तौल काट के ते हमला करता जनाब तो उसको क्यों पकड़ा है इन्हें एको पिस्तौल काट लिया था जनाब नहीं अगर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए कोई शख्स किसी के घर में घुसेगा और वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर गन निकाल ले अगर उसके पास गन है तो आप उसे तो नहीं पकड़ सकते सर जी असली कटदा असी सानू कोई दुख नहीं सी नकली पिस्तौल कटे ये दीवार फांग के आया था ओ जी दीवार फलांग के आया होता तो मैं जान देता ये बकायदा दरवाजा खड़का के आंदा है तो मैं पूछे कौन है आंदा बुआ खोल मैं तेरा साला अच्छा इसी किस्म का एक वाकया जो है ना अभी ह्यूस्टन में भी पेश आया अच्छा हाँ उसमें चोर घर में नहीं गया है कार डीलर के पास गया है और वो मंजर इसलिए वायरल हो गया कि चोर के गन निकालने से पहले ही वहां पे जो कार डीलर था उसने अपनी गन निकाली बहुत अच्छे और जैसे गन निकाली तो चोर बकायदा मुस्कुराया और चोर ने कहा मैं मजाक करने इस बकूबे च भी इंजी होया जे ऐ तू देखी वीडियो ओए होए ऐ चोर ने हल्की जी कमीज चुकी है वो गन निकालने के लिए ना हां मालिक समझा पता नहीं कोई आइटम करने लगा उधर मालिक ने जो तो गन कटी है चोर कहता मन तो घरों को ही यार लेकिन जैसे वो मुस्कुरा के मुड़ा है ना ये जवाब नहीं ऐ जिवे चोर मुस्कुरा के वापस होया है इसने मैं जो तो गन कटी है इन्हें कमीज तां कीती चोर बेहोश हो गया अमरीकी चोर ने तो पिस्तौल कटे थे ना इस मनोज की जिड्डी खुली कमीज है मिसाइल कर लिया नाज़रीन स्टे विद अस छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त में सबसे मशहूर आदमी हूँ बच्चों को सबसे ज्यादा ईदी देने अच्छा वैसे शाह जी ईदी देने की नहीं हूँ कुछ बच्चों को ज्यादा कुछ बच्चों को कम साफ बच्चों को ज्यादा मैले बच्चों को कम वैसे माशाल्लाह ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਐ ਇਹਦੀ ਬਸ ਦੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਆਈਡੀਆ 20,000 ਹੈ ਜੀ 20,000 ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ 20,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਟਾਸਕਸ ਦਿਏ ਥੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਏ ਤੋ ਉਸਕਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਥਾ ਔਰ ਈਦੀ ਵੀ ਥੀ ਤੋ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਟਾਸਕ ਦਿਓ ਬਸ ਗਾਲਿਬ ਕੀ 10 ਗਜ਼ਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਥੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ पर गजल कितने पैसे दे दो जी भाई मैंने उससे कहा था कि 10 गजलें याद करें एक गजल च कितने शेर होते हैं वैसे तो ज्यादा भी होते हैं तो तय हुआ कि गजल के 5-6 ईद का दी उन्होंने सालाना इम्तिहान हुआ कह के और मैंने ईदी को इस टास्क से मशरूत कर दिया था यानी ईद आने तो 6 महीने पहले बच्चे तैयारी शुरू कर दी और शाह जी जिन्हें तेज है ना चांद रात किताबा भी लुका देते ਜਦ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੈਸੇ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਥਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗਾਲਿਬ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਰੋ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਛੀਨ ਲੈਣਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਫਿਰਨ ਦਾ
दीवाने गालिब रखना कोई जुर्म तो नहीं है। मत्थी मोर दा दीवाने गालिब पे होवे ना ओदा सीधा सीधा परचा है यार। वैसे दीवाने गालिब के आगे मत्थी मोर क्या है, तो तोप भी कुछ नहीं है। क्यों जी, इन्हे को तोप भी बरामद हो जानी जी। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। हाँ, तुमसे तो कोई कैश निकाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। चले एक ही शेर में दूंगा, जो याद करके सुना देगा 5,000 उसका। हाँ जी, केड़ा शेर है? लेकिन कुछ शरायत होंगी इसकी। क्यों जी? मैं तन के ना शायर को चाह था, कप पीना भी बहुत मुश्किल है। यार मैं आपको एक शेर याद करने का 5,000 देने को तैयार हूँ। कहाँ? अभी मौके पे। जे मौके से तुसी एंड टाइम ब्रेक ले ली, उदा जिम्मेदार कौन है? मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, दयानतदारी से कह रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप शेर याद कर लें और 5,000 रुपए इनाम पाएं। और सर शेर तो दसो, शायद रिटायरमेंट तक याद हो ही जाए। हाँ, लेकिन शेर ठीक याद होना चाहिए, ठीक वजन के साथ आप पढ़ेंगे। सर जी, जेड़ा शेर इन्होंने देना है ना, आई जी साहब को भी याद नहीं होना। तो आई जी साहब की गल करना, इन्हों का शेर शबाज शरीफ नूं याद नहीं होया। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। ऐसा जबरदस्त शेर सुनाया जे लगा पुलिस मुकाबले च गोली लगी है। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। मैं 2,000 देगा, तुसी आप पढ़ लो। तुहाडे मुश्किल शेर सुनान तो मैंने एक शेर याद आया। कितना अच्छा था तुमसे मुलाकात ना होती। तुम्हारे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। ये भी आपने गलत पढ़ा है। अच्छा जी। कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे। अच्छा जी। तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी। आया आया। तो 5,000 से 10 बरदार हो गए आप लोग। सर जी, मैनू याद हो गया, ताड़ी इजाजत होवे ते दसा। अच्छा चले, अगर इसको याद हो गया ना, तो इसके लिए 10,000। आप तीनों को याद नहीं है, आपके 15,000 भी इसे दे दूंगा, 20,000। अरे जो तो शेर सुनाए नाल पीछे भा 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 कहना। ये पांच पांच छतर मारेंगे। वाह 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 वाह। इन्हें दाद दे दिया 500 रुपए जड़े। अर्ज किया है इरशाद इरशाद गालिब साहब का शेर। हाँ, ये तो मुझे पता है। जेड़ा हुन तुसी पढ़िया है। हाँ सुनाओ ना। ये गालिब साहब वो ही नहीं जेड़े बड़ा सुनया के वो ही नहीं ना। बस साडे दौर च हुंदे सी बड़ा सुनना करना ही, हर दूजे दिन ते उन्होंने फड़िया जाना सी। शेर अर्ज किया जी, परत पे कुर्त फिस। एक मिनट, क्या परत पे खुद से है शबनम। बल्ले भाई बल्ले, शादी बड़ी है। शादी साडा मुंडा जीत गया, 15,000 दे दे। हां 20,000 दूंगा, मगर शेर गलत पढ़ा इसने। किसने? ये शेर इंज दे, ये तू सी गलत पढ़े असि। हां ये सही नहीं है यार। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। और कमल कर, मैं भी हूं एक इनायत की नजर। लिफाफा देना कोई? लिफाफा नहीं, मैं कोई इट लभन डे। इट सादी नहीं मारन गए, सादी का फिकरा कह के मारन गए। की फिकरा है? संग बाज। संग बाज नहीं, संगो खिश्त मुकैद है और सग आजाद। वाह, संगो गिश्त मुकैद है और सब आजाद। सग कहते कुत्ते को। इतनी फारसी ऐसी ईरान शिफ्ट हो जाइए जनाब। संग हर खुश्क ने हाथों में उठा रखा है। खिश्त ईट। हाँ जी। संग पत्थर। खिश्त ईट के संगो खिश्त मुकैद यानी कैद और सग आजाद। सग यानी कि कुत्ते खुले फिर रहे हैं, कि संगो खिश्त मुकैद हैं और सग आजाद। आपने तो तर्जुमा पढ़ा है ना 20,000 किस बात? तर्जुमे का ही हुंदा है। शेर किनू समझ आता है? नहीं, मगर हम तो शेर पर बात कर रहे थे ना। बात है समझ आने की,
ऑडियंस को मेरी